गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन बायोलॉजी। सो अगेन आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो एंड आई थिंक तुमने ये वाली वीडियो देख ली होगी ना। नहीं देखी है तो देख लेना इस वीडियो के खत्म होने के बाद। तो अभी मैं तुम्हें अपनी सीरीज के थ्रू जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत बोरिंग लगते हैं, याद नहीं होते हैं, इसलिए सोचा कि क्यों ना मैं इसे कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से तुम्हें याद करवा सकूँ। अच्छा, सबसे पहली बात तुम लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ये बताना कि जो मैंने पिछली वाली वीडियो में पिछले के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था वो तुमको याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे जॉन इंगिश हाउस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में किस किस चीज़ का यूज़ किया और उसका रिजल्ट क्या निकला, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो लेट गेट स्टार्ट। देखो, सबसे पहले जैसे कि प्रिस्ले का मैंने बताया था कि उन्होंने चार चीज़ों का यूज़ किया था। अब यहाँ पर जो जॉन इंगिश हाउस थे इन्होंने यूज़ किया था दो बीकर, दो एक्वेटिक प्लांट्स और सनलाइट का, सिर्फ इन्होंने इतना सा यूज़ किया था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जगह मतलब एक बीकर के अंदर रखा एक्वेटिक प्लांट और उसको रख दिया सनलाइट में, और एक फिर से बीकर लिया उसके अंदर एक्वेटिक प्लांट रखा और उसको रख दिया एक अंधेरे कमरे में। तो इन्होंने दो चीजें ली ना, इतना क्लियर सबको, एक को सनलाइट में और एक को कहीं पे भी नहीं, ऐसी डार्कनेस में रख दिया। अब उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो तुम्हारा सनलाइट में रखा हुआ था बीकर उसमें ऑक्सीजन बनने लगी, उसमें कुछ बबल्स दिखने लगे। वो बबल्स किसके थे, वो बबल्स थे ऑक्सीजन के, बट जो डार्क में रखा हुआ था उसमें ऐसे कोई बबल्स नहीं आए, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। सो हमें ये समझ में आ गया कि ऑक्सीजन के फॉर्मेशन के लिए सनलाइट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल, बहुत ईजी था। देखो, प्रिस्टले ने बताया था कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, उन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए उन्होंने ये बताया था। मैंने इस वीडियो के थ्रू तुम्हें ये बता दिया कि सनलाइट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी फोटोसिंथेसिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अच्छा, एक चीज और थी इंपॉर्टेंट, देखो तुम सब मुझसे जुड़े हुए हो तो इसीलिए मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि मैं अभी ना एक Q&A वीडियो बनाने का सोच रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम लोग मुझे दोगे और आंसर मैं करूंगी। अब हर बार क्या होता था कि मैं क्वेश्चन पूछती थी, तुम लोगों को आंसर देना होता था, इस बार क्या करोगे, इस बार तुम लोगों के पास मौका है मुझसे क्वेश्चन पूछने का और मैं आंसर दूंगी। ठीक है, बट यहां पर कुछ थोड़ा सा चेंज है। वो ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि तुम मुझसे एनसीईआरटी के या फिर नीट के कट ऑफ वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछोगे, और ना ही इसका स्कोप क्या है, उसका स्कोप क्या है, ऐसा कैसा वैसा, ये सब नहीं। थोड़ा बहुत मेडिकल लाइफ से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड तुम्हें जो भी पूछना हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और वो मैं कमेंट जो भी होगा अगर मुझे अप्रोप्रिएट लगता है बेसिकली तो मैं उसका एक वीडियो अलग से जरूर बनाऊंगी। सो टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस।